नमस्कार। आज जो है सारे बच्चों को स्टैंडर्ड 7 के लिए ये वीडियो जा रहा है। आप लोग 7 के लिए पढ़िएगा और नया चैप्टर भी है, वो चैप्टर का नाम है डेसिमल। आप लोगों ने डेसिमल को देखा होगा और ये एक्सरसाइज 3 का है डेसिमल नंबर। तो डेसिमल हम कहते क्या है, जैसे होल नंबर में क्या होता है, कंप्लीट नंबर होते हैं। होल क्या होता है, जैसे होल नंबर जो होते हैं वह आपके स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, so and so। लेकिन हम अब डेसिमल नंबर की जब हम बात करते हैं तो वह डेसिमल क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल नंबर, डेसिमल जिसको हिंदी में हम कहते हैं दशमलव, तो दशमलव वाली संख्या क्या होती है, जैसे 1.5, 1.2, 1.6 etc। अब इसमें डेसिमल नंबर में हम लोग डेसिमल प्लेस हम लोग सबसे पहले जाने, सबसे पहला टॉपिक है कि हम डेसिमल का प्लेस जाने। तो सिंपल सा जो हम लोग का सिंपल जो होता है उस सिंपल में क्या कैसा प्लेस होता है वो देखिए। जैसे 1, 2, 3 है, ये 1 हो गया वंस, ये हो गया टेंस और ये हो गया 100। बट जब हम डेसिमल नंबर की बात करें तो 1, 2, 3.5, 4 डेसिमल को हम इस तरह से अलग अलग पढ़ते हैं, पिछले क्लास में भी इसको पढ़ा है। तो यहां पर क्या होता है, ऑब्वियसली कि ये तो वंस है, ये टेंस है और ये 100 है, ये वंस टेंस ये 100 है। बट ये जो प्लेस होता है ये होते हैं टेंथ, TENTHS टेंस, और ये हो गए HUNDREDTH हंड्रेड्स। कहने का मतलब ये हो गया 5/10 और ये हो गए 4/100, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं दसवां भाग, दशांश, और इसको कहते हैं सौवां, जिसको हंड्रेड्स हम लोग कहते हैं। वंस है, इसका वैल्यू हमारे पास आता है 3, इसके वैल्यू प्लेस में 20 और ये होते हैं 100। इस तरह से हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी हम लोग करने के लिए सीखेंगे आगे, कैसे हम लोग एक्सपेंड भी करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो ये डेसिमल का जो है प्लेस हम लोग ने सीखा कि डेसिमल का प्लेस किस तरह से हम लोग टेंथ और हंड्रेड्स लिखते हैं। आगे बढ़ेंगे उसमें लाइक और अनलाइक बातें भी आएगी, हमारे पास आएगा लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। अब देखा जाए सबसे पहले लाइक एंड अनलाइक डेसिमल की बात करेंगे। तो लाइक एंड अनलाइक डेसिमल में आप देखेंगे कि जैसे एक ग्रुप है, लिखा हुआ है 5.4, 3.25 और यहाँ 6.324। यहाँ क्या होता है कि डेसिमल के बाद, अब ये आपको अनलाइक ग्रुप है क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ वन प्लेस है, वन डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट्स हैं, यहाँ 3 डिजिट्स हैं, इसलिए ये अनलाइक डेसिमल कहलाता है। क्या कहलाता है, अनलाइक डेसिमल। अब इसको लाइक में बदलने के लिए क्या करते हैं कि सबसे लार्ज स्केल में आप देखते हैं लार्ज में सबसे बड़ा कौन है, 3, यानी सबको 3 करना है, तो 5.400 कर दिए तो 3 हो गया, 3.250 कर दिए 3 हो गया, 6.324 ये ऑलरेडी पहले से है। इस तरह से ये आपके हो गए लाइक डेसिमल, क्या हो गए लाइक डेसिमल। तो ये लाइक एंड अनलाइक के बारे में हम लोगों ने देखा। कन्वर्शन ऑफ द लाइक एंड अनलाइक डेसिमल आपको कन्वर्ट कर दिया गया, 0 से आप जब इसको रिपीटेड करोगे तो कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपके पास ये सिस्टम आ गया कि आप लाइक एंड अनलाइक कैसे करते हो। बातें आगे आती है उस दशमलव में कि रिपीटेशन ऑफ डेसिमल प्लेस वैल्यू यदि चार्ट बनाने के लिए कह दिया जाए तो वह चार्ट कैसे बनेगा वह देख लिया जाए। तो प्लेस वैल्यू चार्ट जो है डेसिमल नंबर पर हमारा कैसे बनता है, देखिए यहां वंस टेंस
हंड्रेड थाउजेंड और मान लिया जाए यहां पर हमारा नंबर है। अब ये देखिए, अब डेसिमल के बाद वाला जो प्लेस होता है वह आपका होगा टेंथ, जिसको वन बाय टेन लिख सकते हैं, हंड्रेड हंड्रेड्स जिसको वन बाय हंड्रेड लिख सकते हैं, और थाउजेंड्स जिसको आप वन बाय वन थाउजेंड लिख सकते हैं। इधर जब हमारा आता है तो वंस का मतलब वन होता है, टेन का मतलब टेन होता है, हंड्रेड का मतलब हंड्रेड होता है, और थाउजेंड का मतलब, ऐसे करके हमारा बढ़ते चला जाता है। अब बातें आती है कि यदि हम कोई संख्या रखें, मान लिया जाए 5443 डेसिमल आपके पास आ रहा है 23, अब इसको इस पे कैसे रखना है? तो ये देखिए, ये तो वंस है, ये टेंथ है, ये हंड्रेड है, अब ये टेंथ है, तो टेंथ मतलब यहाँ दो रहेगा और यहाँ ये थ्री हो जाएगा, और ये यहाँ वंस पर क्या हो जाएंगे, थ्री फोर और फाइव। इस तरह से आप प्लेस वैल्यू चार्ट पर इसको दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये बातें आती है कि आगे यदि हमारे पास आता है कि कंपेयर करना है डेसिमल में, डेसिमल में ये तो आपके चार्ट आ गए, थोड़ा सा इसमें और एक्सपेंडेड यदि पढ़ा जाए कि एक्सपेंडेड हम कैसे करते हैं, तो इस चीज को देखिए 5433 है, अब इसको एक्सपेंडेड करना है, तो ये होल नंबर को हम लोग पहले से जानते हैं एक्सपेंड करने के लिए, तो होल नंबर हमारा एक्सपेंड हो गया प्लस टू, तो बाय देखिए टू बाय टेन, वन बाय टेन तो मतलब टेन हो जाएगा, प्लस थ्री बाय ये आपके पास हंड्रेड हो जाएंगे, तो ये हंड्रेड हो जाएंगे। आगे हम देखेंगे इसको और आगे एक स्टेप में ले जा सकते हैं एक्सपेंड में, यहां तक भी हो सकता है प्लस थ्री प्लस जीरो पॉइंट टू हो जाएंगे, प्लस जीरो जीरो ये थ्री, इसका जब डिवाइड आप करते हैं, एक डिजिट है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लग गया, दो डिजिट आपके नीचे में जीरो वाला आ रहा है तो दो डिजिट बनाने के लिए एक आगे जीरो आएगा तो डेसिमल आएगा। इस तरह से ये एक्सपेंडेड फॉर्म आते हैं, और इसी को यदि हम ऐड कर देते हैं तो ये शॉर्ट फॉर्म कहलाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, कंपेयर करेंगे, जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, ऑब्वियसली हम लोग कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर कैसे करते हैं इस चीज को हम लोग देखेंगे कि आखिर हम कंपेयर जो करते हैं वह कंपेयर कैसे होता है, एक दूसरे का हम लोग तुलना कैसे करते हैं। तो कंपेयर जो है हम लोग करेंगे, तो कंपेयर आप लोगों को सिस्टम है, मान लिया जाए यहाँ 0.5 है और यहाँ पर 5 है, ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट, ये 0.5 मतलब ये अभी कंप्लीट वन भी नहीं हुआ है और ये कंप्लीट होल नंबर है, तो बड़ा कौन है, ये है। अब जैसे दिया हुआ है, जैसे मान लिया जाए 0.75 और यहां दिया हुआ है 7.5, तो इसका भी मतलब है कि ये नहीं बड़ा होकर के ये है, क्योंकि यहाँ होल नंबर में यहाँ जीरो है और यहाँ सेवन है, ये बड़ा है। तो इस तरह से एक और बातें आपको दिखाया जाए, जैसे 0.75 है और यहाँ है डेसिमल 7.5, ऐसे कंडीशंस में क्या करोगे, तो देखेंगे कि जीरो नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, रहता ही है, और सेवन है तो सेवन है, फाइव है तो फाइव है, दैट मीन्स यह इक्वल के सिंबल में आएगा। इस तरह से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, ग्रेटर देन स्मॉल देन और इक्वल टू में आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, सारे पार्ट्स आपको मिलते चले जाएंगे, आगे क्वेश्चंस मिलेंगे, एक एक छोटा छोटा करके इसका स्कीम समझते चले जाते हैं। आगे आपके पास है अरेंज करना है, यदि आपको सबसे पहले क्वेश्चन है कि अरेंज इन एन असेंडिंग ऑर्डर, जैसे हम लोग का सिस्टम आता था उसी में, या असेंडिंग ऑर्डर की यदि हमारे पास बात हो रही है तो सवाल देखा जाए। पहला नंबर वहां कहता है 0.5 0.14, उसके बाद 2.77, 1.101 और 18.204। ऑब्वियसली है कि सिस्टम को धीरे धीरे समझना चाहिए,
तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ दो है, यहाँ दो है, यहाँ थ्री है, यहाँ भी थ्री है, तो सबको पहले थ्री डिजिट हम बना सकते हैं। ये लाइक अनलाइक है तो ये हम लाइक बना सकते हैं, तो आपको समझने में ज्यादा सुविधा होगी। ये देखिए यहाँ पर आपको लाइक कर दिया गया, जीरो डाल देंगे क्योंकि थ्री डिजिट पे हमको ले जाना है, और ये हमारा लाइक में बदल चुका है। अब हम देखेंगे कि आपको बदलना असेंडिंग, दैट मीन्स स्मॉल नंबर से हम लोग लार्ज नंबर पे जाते हैं, तो स्मॉल हमारा इसमें कौन सा है तो देखेंगे, ये जीरो है, यहाँ भी जीरो, यहाँ टू है। होल नंबर को यदि देखा जाए, क्योंकि हम लोग वहां पर कंप्लीट कर लिए हैं डेसिमल नंबर को, सभी थ्री डिजिट पे ले आए हैं, तो मेरा जीरो वाला यानी होल वाला जीरो जहां है वो छोटा होगा, लेकिन दो जीरो वाला है, टू नंबर्स हियर जीरो, तो इसमें अभी दोनों में कंपेरिजन क्या करेंगे, डेसिमल के बाद यहां देखते हैं फाइव है, यहां देखते हैं वन है, तो ऑब्वियसली ये वन वाला छोटा होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे 0.140 या 14 ही सिर्फ लिख सकते हैं, इसके बदले में तो ये लिखा हुआ है, कोमा डालेंगे और आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 0.500, उसके आगे या तो ये देखिए या तो जीरो लिखिए या नहीं लिखिए, दोनों में एक ही कंडीशंस है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब हम देखते हैं, यहाँ टू है, यहाँ वन है, यहाँ 18 है, तो वन वाला पहले आएगा, 1.101 आएंगे, उसके बाद आएंगे 2.770 आएगा और 18.204 आएगा। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाता है, या इस आंसर को अनदर वे में भी आप लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, तो यहाँ लिखना है हमको 0.14, 0.5, 1.101, 2.77 और 18.204, ये भी आप लिख सकते हैं, या तो ये बना के लिख सकते हैं या तो ये लिख सकते हैं, दोनों में से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपका असेंडिंग हो जाता है। इसी तरह से हम इसके अपोजिट वे में हम जब जाते हैं तो इसका डिसेंडिंग वे पढ़ते हैं। आगे हम लोग चलेंगे कि इसके आगे क्या होता है, अरेंज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर तक हम लोग यहां तक पहुंच गए। अब आगे हम लोग चलेंगे कि कहता है कि कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करेंगे डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना है, तो आगे हम चलेंगे कि कन्वर्ट आपको क्या बदलना है, कन्वर्ट डेसिमल टू ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में जब आप बदलेंगे तो क्या इसे बदलेंगे उसको जरा सा देखना है। जैसे 1.5 है, 1.5 को हमको फ्रैक्शन में लाना है, भिन्न में। फ्रैक्शन होता क्या है, न्यूमिरेटर बाय डिनोमिनेटर आपका फ्रैक्शन होता है, तो इस फ्रैक्शन को हम कैसे लाएंगे उसको देखा जाए, तो यहां हम 1.5 लाएंगे और इसका डेसिमल जैसे ही हटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा जीरो। तो ये ऑब्वियसली हमारे पास फ्रैक्शन आ चुका है और ये हमारा आंसर आ सकता है। यदि हमको सिंपलेस्ट फॉर्म कहेगा करने के लिए तो इसको और छोटा रूप में करेंगे, लेकिन यदि सिर्फ फ्रैक्शन में कह रहा है बदलने के लिए तो हम यहीं तक रखेंगे, लेकिन यदि एंड राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म, यदि हम सिंपलेस्ट की बात करें, छोटा फॉर्म में यदि हमको लिखने की बात होती है, तब हम आगे क्या करेंगे, इसी 15/10 को 15/10, ये हमारा 5 से कॉमन हो रहा है, तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और 3/2 हमारा, ये तब आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप सीक्वेंस को समझ सकते हैं और इस तरह से बहुत सारे सवाल बना सकते हैं। जैसे एक और सवाल बना दें आपको, जैसे 0.007 है, तो ऐसे में क्या करेंगे, 0.007 हमने लिखा, इसका डेसिमल हटाया, एक लिखा और थ्री डिजिट है तो थ्री डिजिट यहां पर डाल देते हैं। ऑलरेडी यह जो है आपको 7/1000, ये हमारा लोएस्ट टर्म में है, ये हमारा छोटा नहीं हो सकता है, इसीलिए हमारा यहीं तक आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे और हम लोग इस डेसिमल में हम लोग देखा, अब फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे लाएंगे उसको भी
हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कैसे लाते हो। तो फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे लाते हैं वो आपको दिखा रहे हैं। तो फ्रैक्शन देखिए, आपके पास क्वेश्चन है कि आपको कन्वर्शन करना है, कन्वर्ट ऑफ ए फ्रैक्शन, ऑफ ए फ्रैक्शन इंटू डेसिमल, किसमें बदलना है? तो डेसिमल में, फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना है। पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है 48/5। आप बगल में आप रफ कर सकते हो, 48 को 5 से आप डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा? 9 टाइम में आपका 45 हो जाएगा, यहाँ 3 माइनस करके आ जाएगा। अब देखिए, ये छोटा जब हो जाता है, यहाँ डेसिमल डालिएगा और जीरो डलेगा, तो आपके पास 6 टाइम में 30 हो जाएंगे, और 6 टाइम में 30 हो जाएगा तो आंसर क्या आएंगे? 9.6 आपके पास आंसर आ रहा है। इस तरह से कन्वर्ट ऑफ ए फ्रैक्शन इंटू ए डेसिमल में आप इसको कंप्लीट कर लेते हो, यानी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए डेसिमल। जोड़ और घटाव की क्रियाएं हम करते हैं आम जीवन में, दैनिक जीवन में हम लोग बहुत सारे वर्क को करते हैं, और उसी वर्क में हम लोग डेसिमल को किस तरह से फॉर्मेट करेंगे उसको हम लोग देखना है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इसको कहा जाता है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम लोग जानेंगे किसमें? तो डेसिमल में। किसमें? तो डेसिमल नंबर में हम लोग को एडिशन जोड़ना है। तो सबसे पहले हम एडिशन की बात करें। यदि सवाल है कि 2.5 + 3.725, ऐसे कंसीडर में आप क्या करोगे? आपको लगता होगा बहुत बच्चे क्या लिखते हैं, 2.5, अब यहाँ 3 है, पॉइंट है 7.25, लिख करके बड़ा दिक्कत होता है, आखिर ये है क्या? तो आपको लाइक वाला सिस्टम समझना पड़ेगा, अलाइक से लाइक में बदलना पड़ेगा, और जीरो डालोगे जैसे ही वह लाइक में बदल जाएगा, और लाइक में बदलेगा सिंपल वे में जैसा आप एड करते हो, तो 12 हो गया, 3 + 5 + 1 = 6 हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं 6.225 लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। इसी तरह से आपका माइनस भी हो सकता है, और आप माइनस भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक सब्ट्रैक्शन है 103.1 डिग्री फारेनहाइट में माइनस करना है 98.6 डिग्री फारेनहाइट, तो यहाँ पर आप माइनस कर सकते हैं, इसको 98.6 लिख सकते हैं। तो आप क्या करना है, यहाँ से जब ये बैलेंस जाएगा तभी जाकर वह 11 होगा, और 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 5 होगा, यहाँ 10 बचे, ये 12 बचेंगे, तो 8 + 4 = 12 हो जाएंगे, यहाँ बचा 9, 9 में से ये खत्म हो जाएगा, ये क्रॉस लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं, तो आंसर आपका क्या होगा, 4.5 डिग्री फारेनहाइट होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 में बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, एक्सप्रेसिंग होंगे, आपको पूरे के पूरे बनाना है। कुछ रुपए पैसे की बातें भी है, उसको भी हम लोग अभी दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे। पहले 3.1 एक्सरसाइज पेज नंबर 35 आप बनाएंगे, और दूसरे दिन के वीडियो में रुपए पैसे का कन्वर्टिंग जो है वो भी हम लोग सीखेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।